रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निपथ योजना का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि देश का युवा सेना का बहुत सम्मान करता है और अग्निपथ योजना के तहत देश के युवाओं को सेना में शामिल होने का मौका दिया जा रहा है। लेकिन बीते दो दिनों से आ रही तस्वीरें यही बता रही हैं कि युवा सेना में शामिल तो होना चाहते हैं लेकिन अग्निपथ योजना के तहत नहीं होना चाहते। युवा वो पुराने तरीके से भर्ती दोबारा शुरू करने की मांग कर रहे हैं। युवाओं के बीच इस योजना के तहत रौद्र रूप देखने को मिला है। हाल ही में मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में प्रदर्शनकारियों ने सरकारी संपत्ति को तोड़फोड़ कर नुकसान पहुंचाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस मामले को लेकर शिवपुरी जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने आम जनता एवं युवाओं से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने युवाओं से कहा कि वे सोशल मीडिया की भड़काऊ पोस्ट पर ध्यान न दें। कलेक्टर शिवपुरी की हैसियत से अपने उन युवाओं युवतियों से अनुरोध कर रहा हूं जो आर्मी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं कि अभी कुछ दिनों से इस संबंध में जो तरह तरह की बातें चल रही है जिसकी वजह से उत्तेजना में कुछ ऐसे गतिविधियों की सूचना आ रही है जिनके कारण हमारे इन बच्चे बच्चियों को प्रॉब्लम हो सकती है। ये सही है कि समाज में जब तरह तरह के इस प्रकार के भ्रम पैदा होते हैं तो भ्रम पैदा करने वाले पीछे हो जाते हैं और दूसरे लोग अनावश्यक परेशानी में फंस जाते हैं। आप सबों के आगे लंबा कैरियर है, आप अपने बारे में ये जरूर ध्यान रखें कि आपके हाथों से आपके द्वारा कुछ ऐसे काम ना हो जाए जिसकी वजह से आगे आपको परेशानी हो। शिवपुरी के युवाओं से मेरी अपील है जो लोग खासतौर से आर्मी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, इसके साथ में CAPF वगैरह की भी देते हैं परीक्षाएँ और पुलिस की भी देते हैं, कि किसी भी तरीके से किसी भी भ्रम में आके अपने को हिंसा या कोई अपराध कारित ना हो, ऐसे जरूर ध्यान रखना है। कल ग्वालियर में इस तरह से वातावरण हुआ, सरकारी संपत्ति को लोक संपत्ति को नुकसान पहुँचा है, वो जिन लोगों ने किया है और जिन लोगों के नाम आए हैं उनके लिए दिक्कत आएगी। और इसी तरीके से आप लोगों को भी अपनी बात जो लोकतंत्र तरीके से रखने की बात है तो वो चूँकि कल ही घटना हुई है और कुछ सामाजिक तत्व जो हैं इन बातों को इसी तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं कि हमें तोड़फोड़ करनी है या कुछ ऐसा करना है, तो खासतौर शिवपुरी को टारगेट कर रहे हैं। तो मेरा शिवपुरी के सभी निवासियों से भी अनुरोध है कि वो भी अपने बच्चों को समझाएं, बात करें इसमें।